कवर चढ़ा लीजिए फिर चुप चुप। सुनो, अम्ल के बारे में ये क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, ठीक। अम्ल और क्षार दो चीज़, एच प्लस आयन देते हैं, इसकी तीन चार परिभाषा है तो पांच परिभाषा है, जो तुम्हें लगेगा सही उसी को लिख देना। पहले हम क्या लिखोगे, ऐसे आयन जो क्या देते हैं, एच प्लस आयन देते हैं, एक तो ये हो जाएगा। दूसरे में क्या लिखोगे, जिसका पीएच मान कितना होता है, सात से कम। तीसरा पॉइंट, धातु से अपक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन विस्थापित, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। वो तो हो गया ना पहला पॉइंट, ये देखो एच प्लस आयन देते हैं। इसके बारे में तीन वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लुइस, एक का नाम था आरहेनियस। ये लुइस ने क्या बताया था, एच प्लस आयन देते हैं। आरहेनियस ने बताया था कि जो धातु से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, कोई अम्ल का नाम बताओ, बहुत सारे अम्ल है ना, से मान लो H2SO4, इसके अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं ना, मान लो ZN से कराते हो, AG से कराते हो, NS कराओगे, MG से कराओगे, तो ये प्लस ये माइनस या किसे मिलेगा, क्या बनेगा, ये ZnSO4। और किसको स्थापित किया, हाइड्रोजन को। ऐसे ही चाहे जिस अम्ल से अभिक्रिया कराओगे, हाइड्रोजन ही विस्थापित होगा। तो समझ जाना कि वो अम्ल ही है, जिसमें अवशेष में क्या बचेगा, हाइड्रोजन, तो समझ जाना कि वो अम्ल है, चाहे इसका कराओगे। ये तो मान लो पहला अम्ल था, दूसरा अम्ल क्या हो जाएगा, हाँ कोई करा दो, HNO3 प्लस कोई धातु, मान लो यहाँ लिखा है सोडियम लिखा है, तो क्या हो जाएगा, NaNO3 और प्लस H, उसमें क्या निकला, H निकल जाएगा। यहाँ पे फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल का सूत्र ये होता है HCOOH, इसके क्रिया कराओगे तो यहाँ देखो Mg ये धातु हो गया, ये आगे इधर मिलेगा तो बनेगा Mg H2O। उसमें जल मिलाना पड़ेगा, यहाँ यहाँ दिखेगा एम क्या मिलाओगे, जल और क्या है, फार्मिक अम्ल। तो एक हो यहाँ, दो यहाँ, एक ये क्या हो जाएगा, MgCO3 और प्लस 1H 2H 2H, चार हो गए ना, तो 2H2 ऐसे। नहीं तो इसमें Mg मिलाए हो तुम, नॉर्मल सा कोई चीज़ ले लेना, या तो नाइट्रिक अम्ल लिए थे ना, या फार्मिक अम्ल लिए थे, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एग्जाम्पल में दो या तीन बहुत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर लेते हो तो क्या होता है, HCl ना, HCl प्लस, मान लो कैल्शियम लेते हो तो क्या हो जाएगा, CaCl और प्लस क्या बचेगा, H, HCl बच नहीं जाएगा, यानी कि विस्थापित करेगा तो हाइड्रोजन को हमेशा विस्थापित करेगा, इसे कहते हैं अम्ल। और इसमें आरहेनियस और लुइस ये दोनों लोग ने मिलकर इसको बताया था। इसके बारे में लुइस ने बताया था, और ये जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, इसे आरहेनियस ने बताया था। देखो इतना किसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ें बहुत है।